देख रहे हैं आपका अपना सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सिर्फ और सिर्फ श्रमिक मंत्र, हर खबर की सच्चाई पर नजर। नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा आज के खबर के साथ। मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ के द्वारा पूर्व के निजी सचिव व एचओडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद सख्ते में है लोनी वी यानी पीडब्ल्यूडी महकमा। जानकारों की माने तो मंत्री महाराज के सह पर एचओडी अयाज अहमद के खिलाफ कराए गए एफआईआर के बाद लोनी विभाग के पदाधिकारी व अधिकारीगण इस कदर डरे व सहमे हुए हैं, लोग अब वीआरएस लेने का मन बना रहे हैं। लेकिन उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि 6 महीने बाद अचानक विभागीय मंत्री द्वारा एचओडी के नियुक्ति पर सवाल उठाना एचओडी अयाज अहमद पर गाज गिराने जैसा प्रतीत होता है। वहीं सूत्रों की माने तो महाराज और मौजूदा सीएम के बीच चल रहे सह और मात का खेल किसी से छिपी नहीं है। मसलन मंत्री सतपाल महाराज को अपने ही लोनी विभाग में अनदेखा किया जा रहा है, यानी विभाग में कोई भी पोस्टिंग हो या ट्रांसफर मंत्री जी को नज़रअंदाज कर शासन या सीधे मुख्यमंत्री के स्तर से किया जाना मंत्री जी को ना गवार गुजरी। और मंत्री जी ने अपना सारा का सारा गुस्सा महज 3 महीने बाद रिटायर होने वाले इंजीनियर अयाज अहमद पर उतार दिया, जबकि एचओडी बनने से पहले अयाज हर प्रक्रिया से होकर इस पद पर आज काबिज हैं और यहां तक पहुंचने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कराए गए डीपीसी के बावजूद भी पूरे 6 महीनों तक इंजीनियर अयाज को इंतज़ार करना पड़ा, जहां एक सीनियर अधिकारी को उसके अच्छे काम के लिए सराहना करने के बजाय जाते जाते मिला कानून का फंदा। और इस कानूनी पेच में फंसकर इंजीनियर को अपनी प्रतिष्ठा के साथ साथ बाइज्जत बरी पाना अयाज अहमद के लिए आसान नहीं है। लेकिन हाँ, एचओडी के लिए राहत की बात यह है कि सचिवालय संघ और लोनी संगठन गलत तरीके से फंसाए जा रहे अयाज अहमद के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और यदि यह दोनों ही संगठन आने वाले दिनों तक अयाज अहमद के साथ खड़े साथ दिखाई देते हैं तो मंत्री सतपाल महाराज के लिए भी आने वाला समय मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। श्रमिक मंत्र संवाददाता की ये खास रिपोर्ट।